एक साल पूर्व मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें अहिमाने गांव में बने तकरीबन 32 घरों पर बाबा के बुलडोजर के गरजने की तैयारी थी। फिर बीच में लोगों ने लड़ाई लड़ी, हाईकोर्ट तक गए, उन्हें किसी तरीके से अपना घर बचा लिया था। लेकिन अब एक साल बाद फिर से उन 32 घरों पर संकट है, लोग कभी भी बेघर हो सकते हैं। चूँकि सुनने में आ रहा है कि एक बार फिर से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है कि 15 दिन के अंदर आप बेदखली कराएं और इसके बाद उन्हें रिपोर्ट दें। इस पूरे मामले की जो लड़ाई लड़ रही, मेरे साथ हैं गरिमा मिश्रा जी। गरिमा मिश्रा जी, स्वागत है आपका। प्रणाम सर। क्या मामला चल रहा है हिमाने गांव जी? हमारे हम हाई कोर्ट के डायरेक्शन लेके आई सन 2020 में, जो कि ये लोग लड़ाई लड़े और लड़ाई लड़ने के दरमियान ये लोग नाकामयाब ठहरे। सीआरओ साहब के यहाँ से मुकदमा इनका बेदखल डिस्पोज हुआ, इनको बेदखली की आदेश हुई। फिर उसी समय सीपी पाठक 1,20,00,000 रुपए लिए, 1,20,00,000 रुपए लेके चले गए। 37 लोगों को पट्टा किए, जो कि वो पट्टे सारे गलत रूप से हो गए हैं। जिसके पास 40-40, 50-50 लाख की ज़मीन है उसको पट्टा दिया गया, जो भूमिहीन है पूरी तरह से उनको पट्टा नहीं दिया गया। मेरा यही कहना है कि गरीब लोगों को पट्टा होना चाहिए, इन लोगों को पट्टा खारिज होना चाहिए। अब इन लोगों के ऊपर हाई कोर्ट का दबाव आया है, अब ये लोग फिर दौड़ रहे हैं पट्टा खारिज कराने के लिए। एक पट्टा निरस्त किया जाए, पट्टा फिर से होगा, गरीब लोगों को पट्टा दिया जाएगा, जो कि ऐसा अब नहीं होना चाहिए। ये लोग प्रमाण के सहित सामने आए हैं मीडिया वाले के। इसमें जो बेदखली होगी, जो तालाब से तमाम जो घर गिरेंगे, उसमें ज़्यादातर प्रभावित किस टाइप के लोग होंगे? सक्षम लोग हैं भी हैं या ज़्यादातर गरीब तबके? ज़्यादातर करके गरीब लोग हैं और अधिक से अधिक पैसे वाले लोग हैं, जो कि इसमें एक राजेश वर्मा है जिसके घर में कम से कम 15-16 लाख रुपए लगा है, वो आदमी पट्टा नहीं पाया है। जिसका कोई नुकसान नहीं हो रहा, उसके घर में 3-3, 4-4 पट्टा सीपी पाठक जी करके गए। रामराज प्रधान का सारा रोल काल रामराज प्रधान का है, रामराज प्रधान हाथ से पैसा गया है, रामराज के प्रधान के यहाँ पैसा जमा होता था सर, और अब आप लोगों की मदद से हमें रामराज प्रधान का पट्टा ये निरस्त जो करा रहे हैं, ये निरस्त न होने पाए, उनका बस्ता जमा होना चाहिए। ये गलत तरीके से प्रधान ने पट्टा किया है जी? गलत तरीके से पट्टा हो गया है सर, और रामराज प्रधान 3 बार प्रधान रह चुके हैं, इनको सारी जानकारी थी, और मेरे पूछने पे बोल रहे हैं कि पंडित जी मेरे से गलती हो गई, ये पट्टा मैं निरस्त करा रहा हूँ। लेकिन मैं ये नहीं चाह रही हूँ, मैं ये चाह रही हूँ कि मीडिया वाले के माध्यम से कि उनका पहले बस्ता जमा हो, फिर उसके बाद पट्टा निरस्त किया जाए। अहिमाने गांव में 32 घरों पर बुलडोजर चलने की जो कार्रवाई थी पिछले एक साल पूर्व, बहुत तेज़ी से चर्चाओं में आई थी, लेकिन एक बार फिर से कोर्ट ने जवाब मांगा है कि क्या वो कार्रवाई आपने कराया या फिर नहीं, बेदखली हुई या फिर नहीं, कोर्ट ने क्या कहा है उसमें? कोर्ट ने यही इनसे पूछा, जवाब मांगा है कि हमें 15 दिन के अंदर जवाब चाहिए कि अभी तक कब्जा मुक्त क्यों नहीं किया गया, सन 2020 से लेके अभी तक कब्जा मुक्त क्यों नहीं किया, हमें 15 दिन में जवाब चाहिए। 19 तारीख को इन लोगों को नोटिस आ गई है, नोटिस रिसीव हो गई है। प्रशासन के लोग हरकत में जी, ये लोग अब जाते हैं वहाँ, अब जमीन जो देखे थे सीपी पाठक जिसपे ये लोग पट्टा करके गए हैं, वही जमीन तिवारी तहसीलदार साहब जाके लोगों को बता दिए हैं कि ये तुम्हारी जमीन है, तुम्हारी जमीन। गरीब लोगों को क्यों नहीं पूछा गया कि गरीब लोग कहाँ जाएंगे, गरीब लोगों की जमीन कहाँ है? बिल्कुल, ये क्यों नहीं तहसीलदार साहब पूछे? ये बेदखली की कार्रवाई में कितने गरीब परिवार हैं जो प्रभावित हो रहे हैं और जिनको पट्टा नहीं मिला? जिनको पट्टा नहीं मिला, पट्टा जो पैसा देने का सक्षम नहीं था उसको पट्टा नहीं किया गया है। कि पट्टा जो दिया है इन लोगों ने, पैसा लेकर दिया है, पैसा लेके दिया है 1,20,00,000 रुपए में रामराज प्रधान पट्टा किए हैं। ये बेहद गंभीर आरोप है अहिमाने गांव के प्रधान के ऊपर, बेहद गंभीर आरोप इन्होंने लगाया है कि ये 1,20,00,000 रुपए का वारनारा किया गया है, और जिसके बाद जो तमाम सक्षम लोग थे उन्हें ही पट्टा दे दिया गया, जो गरीब लोग थे जिनका घर इस बेदखली की कार्रवाई में गिरेगा उनको पट्टा नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में कहाँ जाएंगे वो? हालांकि अब हाईकोर्ट एक बार फिर से इस मामले में सख्त रुख अख्तियार कर चुका है और 15 दिन के अंदर कार्रवाई की रिपोर्ट तलब करने की बात की है। फिलहाल अब इस पूरे प्रकरण की
जांच पड़ताल उच्च अधिकारियों द्वारा की जाती है या फिर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। आपसे ये चाह रही हैं कि रामराज प्रधान का पट्टा जब्त करा दिया जाए, उनको उनका बस्ता जमा कराएं और प्लस उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कोई अगर मेरे बात में अगर उन लोगों को संदेश दिख रही है तो मैं रामराज के खिलाफ मैं अपनी एफिडेविट लगाऊंगी, जो कि मुझे उस गाँव से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ईमानदारी की बात है, मैं रामराज के खिलाफ अपनी एफिडेविट लगाऊंगा कि 1,20,00,000 रामराज प्रधान पैसा लिए। पूरे शपथ के साथ ये बात कहने के लिए तैयार हैं कि रामराज प्रधान द्वारा 1,20,00,000 रुपए में पट्टे की जमीन के लिए अब मोटी रकम वसूली गई थी। हालांकि अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल बेहद गहनता से होनी चाहिए, जो भी गरीब लोग हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए। कैमरा पर्सन साहब, मैं आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, सुल्तानपुर।